उत्तर प्रदेश में ओबीसी में आने वाली 17 जातियों को अनुसूचित जाति की लिस्ट में शामिल करने का कड़ा विरोध किया है। केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत ने राज्यसभा में सदन के नेता थावरचंद गहलोत ने साफ साफ कहा है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का यह फैसला असंवैधानिक है। जो काम संसद का है वो फैसला यूपी की योगी सरकार ले रही है। और आपको बता दें, इससे पहले राज्यसभा में बीएसपी सांसद सतीश चंद्र मिश्रा ने मामला उठाते हुए कहा था कि यूपी की सरकार ने संविधान के खिलाफ काम किया है। और सतीश चंद्र मिश्रा के बाद थावरचंद गहलोत ने उनकी बातों का पुरजोर समर्थन किया है। माननीय मिश्रा जी ने और अन्य कुछ सांसदों ने एक विषय की ओर ध्यान दिलाया है यहाँ, और उसमें ये कहा गया है कि 17 ओबीसी वर्ग की जातियों को उत्तर प्रदेश की सरकार ने एससी के सर्टिफिकेट देना प्रारंभ कर दिए हैं। ये कदापि उचित नहीं है। ये संसद का अधिकार है कि किसी एससी या एसटी या ओबीसी की जाति को किसी वर्ग से हटा करके किसी वर्ग में सम्मिलित करना है, ये संसद का अधिकार है। पहले भी ये मामले 2-3 बार संसद में आए, परंतु संसद की सहमति नहीं हो सकी। अभी भी अगर उत्तर प्रदेश की सरकार इन जातियों को ओबीसी से एससी में मिलाना चाहती है, तो जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया का पालन करते हुए कोई प्रस्ताव भेजेगी तो हम विचार करेंगे, परंतु अभी जो आदेश उन्होंने जारी किया है वो उचित नहीं है, संवैधानिक नहीं है। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि इस प्रकार के आदेश के आधार पर किसी का प्रमाण पत्र न बनाए, नहीं तो कोर्ट कचहरी में जाएगा और वो निरस्त होगा, उससे कोई लाभ नहीं होगा। सरकार ने एक आदेश जारी कर दिया है अभी 3 दिन पहले, और उस सरकार ने उस आदेश के तहत इन 17 जातियों को ओबीसी की लिस्ट से हटा दिया, और हटा करके कहा है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स को कि इनको आप शेड्यूल कास्ट की सर्टिफिकेट्स दे दीजिए और इनको जारी कर दीजिए। ये आदेश जो है पूरा का पूरा आदेश गैर संवैधानिक तो है ही है, लेकिन ये इन 17 जातियों के साथ पूर्ण रूप से धोखा है, और वो इसलिए धोखा है क्योंकि अब ये 17 जातियां उस ओबीसी से भी हट गई। अब ओबीसी से जब हट गई तो उनको ओबीसी के लाभ नहीं मिलने वाले हैं, और शेड्यूल कास्ट की लिस्ट में ये आ नहीं सकते जब तक 341(2) के तहत में इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं होता। इस तरह की प्रक्रिया पिछली सरकार में भी हुआ था उत्तर प्रदेश में, जिसमें माननीय न्यायालय में भी मामला गया था, उन्होंने स्टे भी किया था, क्योंकि ये गैर संवैधानिक है, हो ही नहीं सकता। और यही तमाम बातें कल अपने कार्यक्रम सबसे बड़ा सवाल में भी मैंने उठाई थी, और वही बात अब केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत भी दोहरा रहे हैं।